सो फाइनली हमारी होली की दूसरी ब्लॉग आ चुकी है। आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों को पता चलेगी हम लोगों ने होली कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे क्या किया, आप लोगों को सारी चीज़ें इस ब्लॉग में पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने उठकर जल्दी जल्दी फ्रेश होकर मंदिर के लिए निकल गए क्योंकि होली के समय लेट से जा नहीं सकते, रास्ता काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, तो फिर हम लोग मॉर्निंग में ही जाते हैं। और फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। ये थी सांवरिया सेठ जी की मंदिर, इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे मॉर्निंग में दर्शन करने के लिए। हम लोग भी आते हैं पर कभी कभी, और होली में तो हम लोग हमेशा आते हैं, यहीं से अपनी होली की शुरुआत करते हैं। यहाँ कैमरा अलाउ था नहीं तो हम लोगों ने फिर भी कैमरा ऑन किया, तो एक अंकल जी ने मुझे चिल्लाया कि नहीं कैमरा यहाँ ऑफ करिए, यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम लोगों ने कैमरा ऑफ कर दिया। मंदिर बाहर से कुछ ऐसे दिखती है और मंदिर से निकलते ही पीर बाबा की मज़ार है जो कि इनका भी दर्शन करना ज़रूरी है। वहाँ से निकलकर सारे लोग पहले यहाँ के दर्शन करते हैं और इनकी भी काफ़ी मान्यता, जो भी विश मांगते सारी पूरी होती है। यहाँ के दर्शन हो गई कि फिर हम लोगों को लेना था कुछ फ्लावर्स, तो हम लोग वहाँ से फूल का ट्रक ले निकल गए क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सामने थी। फिर अब रास्ते में आती है जगन्नाथ जी की मंदिर जो कि हम लोग यहाँ पे भी दर्शन किए और उसके बाद ही रास्ता क्रॉस हुए। रास्ता क्रॉस होने के बाद हम लोग देखे पर ज़्यादा वैरायटी में थी नहीं और काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। हम लोगों ने आगे भी बढ़ा, आगे भी चेक किया, कहीं पर नहीं थी। फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से, फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। निकलने के बाद ही फिर हम लोग जा रहे थे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने क्योंकि सारे मंदिर उसी रास्ते में आते हैं। तो ये थी पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर। और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से और मुस्कान ये पपी के साथ खेलते हुए, इसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है डॉग्स, ये काफ़ी खेलती है इन लोगों के साथ। ये भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और फिर हम लोग आ गए पोस्ता, यहाँ पे माता रानी के दर्शन किए। ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी मंदिर, यहाँ हर सारे भगवान आप लोगों को मिलेंगे। तो फिर हम लोग भी यहाँ पे दर्शन किए और ये थे हमारे गल्लू। फिर हम लोगों ने सारे दर्शन कर लिए और फिर यहाँ से निकल चुके थे। यहाँ से निकल कर ही फिर आ गए श्याम बाबा के मंदिर। यहाँ का पट बंद था क्योंकि आरती की तैयारी हो रही थी, हम लोग मॉर्निंग पे ही गए थे, ये पट खुल गया था। और श्याम बाबा काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, पूरे फूलों से सजे हुए थे और वो भी कलरफुल्स, कितने प्यारे लग रहे थे। और ये थी हमारे कान्हा जी की होली जो हम लोगों ने खेला घर पर। और ये थी हमारी होली की शुरुआत जो कि मुस्कान यहाँ बन रही थी भूत और बच्चों को डरा रही थी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे थे, बच्चे भी साथ में मिलकर हम लोग सारे लोग परेशान कर रहे थे, लोगों को पानी मार रहे थे या बलून मार रहे थे और बच्चे तो पिचकारी से मार रहे थे लोगों को। इसको देखिए सबसे ज़्यादा बदमाश बच्ची है हमारे घर की। देखिए इन लोगों को कैसे बलून लगेगा, काफी परेशान कर रहे थे हमारे यहाँ के लोग। और ये थे बच्चों की होली जो कि शाम में ये लोग खेल रहे थे। और हम लोग आ रहे थे, आते ही भैया लोग रास्ते में ही सारे रंगों से हम लोगों को रंग दिए थे, काफी ज्यादा बदमाशी कर रहे थे ये लोग, पूरे अबीर अबीर से हम लोगों को रंग दिए थे। हम लोगों ने खूब मस्ती किया और ये मेरा पागलपन। ये थी हमारी भयानक वाली होली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे हम लोग। और ये हमारी सेकेंड डे की होली थी जो कि होली के दूसरे दिन हम लोग खेल रहे थे, वो भी घर पर। यहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया क्योंकि ये सारे घर के लोग ही थे। हमारी लाडो की होली ख़त्म होती ही नहीं है, आज भी वो बोलती है कि बुआ होली खेलनी है, चलो ना चलो ना।
सो फाइनली हमारी होली होती है यहीं पर एंड। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट की हम लोग ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये थी हमारी होली की आखिरी व्लॉग। बाय।